हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शो मच जर्नी इन असम। तो आज का ब्लॉग मेरे एक टॉपिक के ऊपर होगा, वो भी है ऑब्वियसली सिंस पूजा इज अहेड, और पहले जिसने भी मेरा ब्लॉग देखा है हेयर केयर रूटीन का, तो आज अनदर एक हेयर मास्क मैं लेके आई हूँ जो घर में हम लोग का मिलता है और आराम से हो भी जाएगा। तो स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी, सो आई विल डेफिनेटली शेयर वेरी इजी एंड सिंपल हेयर मास्क जो आप घर में बहुत इफेक्टिव होगा और आराम से आप कर सकते हो। ओके हाय फ्रेंड्स, तो हेयर मास्क का जो मैं आप लोग को बता रही थी, मेरे पास फ्यू इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले तो है अमल का मैंने दही लिया है, ठीक है, और दिस इज पतंजलि हनी, और ग्लिसरीन आपको जो जिस भी ब्रांड का आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। ओके, तो हाउ आई विल प्रिपेयर दिस, तो फर्स्ट आई विल पुट कर्ड। तो यहाँ पे आपका हेयर का जो लेंथ है आप उस हिसाब से दो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, कर्ड इज वेरी गुड एंड रिच इन विटामिन यू नो डी एंड B5। वो एक्सीलेंट सुपर फूड होता है, मतलब हेयर्स के लिए, हेल्दी हेयर्स के लिए, हेल्दी स्किन के लिए। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू हनी। ओके, आई विल पुट हाफ स्पून ऑफ हनी हेयर। ये क्या है, ये क्या करेगा आपका स्कल्प को ना, आपको ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा सा, मतलब आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये। फाइन, नेक्स्ट आई विल पुट ग्लिसरिंग। ग्लिसरिंग इज अनदर गुड एंड हाइड्रेटिंग रिलीफ होता है जो स्किन के लिए। यहाँ पे भी 1 स्पून मैंने दे दिया है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से अभी क्या करेंगे ना, मिक्स कर देंगे। फाइन, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला था, इसको फाइन हम लोग अभी क्या करेंगे ना, पेस्ट कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्या पता है, आप लोग जब ग्लिसरीन ऐड करते हो, ये ड्राइनेस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है हेयर के लिए। ओके, एंड एवरीथिंग इज़ गुड ऑन देयर ओन वे। ओके, सब कुछ ही अपने हिसाब से, मतलब अगर आप लोग अप्लाई करो, सबका ही कुछ ना कुछ है। अगर आप सिर्फ कर्ड भी यूज़ करते हो, उसका भी एक अलग सा ही है। और ये क्योंकि ये सारा काफ़ी ठीक होता है, तो उसके लिए आप अगर उसके साथ ऐड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये अभी क्या करूँगी ना, मैं हेयर पे अप्लाई करूँगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अप्लाई करेंगे इसको, वो भी हाथ से। ओके, तो आप पहले क्या करो ना, इसको पार्ट कर लो। पार्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेके आप अप्लाई करो, राइट, इन दिस वे। फिर से हम यहाँ पे भी पार्ट कर लेंगे। बस इस तरीके से अप्लाई करते रहो पूरा हेयर्स में। जस्ट ऐसे करके टाई अप करके हम लोग रख देंगे फॉर हाफ एन आवर। और किसी का अगर हेयर का है तो आप प्लीज उसको अप्लाई कर दो। इट्स ऑलमोस्ट डन, बस हाफ एन आवर रख के बस हेयर वॉश आप लोग आराम से कर लो। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, ये आफ्टर वॉश के बाद इसका वॉल्यूम कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इट्स गिव यू नो, मतलब पकड़ने में बाल बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग ऑब्वियसली, बहुत शॉर्टकट, बहुत इजी सा है, आप लोग ऑब्वियसली ट्राई करो और मुझे ज़रूर एक कमेंट में बताना कि आप लोग को कैसा लगा। फाइन, तो डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने बाल को, मतलब पकड़ के।
मिलते हैं बहुत झटपट से और एक मतलब ब्लॉग को लेके आपके पास, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिर्फ पूजा ही जहर ना, कुछ ना कुछ खरीदना हो रहा है, करना हो रहा है, तो आपको मैं मतलब उस चीज़ के साथ भी रखना चाहती हूँ कि झटपट से कैसे क्या करोगे और मैंने क्या क्या है और क्या कर रही हूँ। ओके, तो टिल देन सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन एवरीवन, टेक केयर एंड